और फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। बड़ी खबर जहां आरएएस क्लब में आरएएस एसोसिएशन की बैठक, बैठक में तमाम आरएएस अधिकारी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में कार्य बहिष्कार को लेकर कुछ फैसला आएगा। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और कल ही जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद कहा गया था कि मुलाकात सकारात्मक रही है लेकिन हड़ताल खत्म करने को लेकर जो भी फैसला है, निर्णय है, वो एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम आरएएस अधिकारी मौजूद हैं, आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और कार्य बहिष्कार को लेकर जो फैसला है वो इस बैठक में लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार्य बहिष्कार को लेकर फैसला होगा आरएएस क्लब में। आरएएस एसोसिएशन की ये बैठक है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं और आज फैसला इनकी ओर से लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी, देखिए थोड़ी ही देर में कुछ फैसला आ सकता है। कल जो मुलाकात हुई, कहा जा रहा था सकारात्मक मुलाकात हुई है सीएम से और आज इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल मनीषा, ये देखिए तस्वीरें जो है वो आरएएस क्लब की हैं जहां पर तमाम आरएएस अधिकारी जो हैं वो यहां पर जुटे हैं और सुबह के समय जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद में काफी आश्वस्त यहां पर आरएएस अधिकारी जो है वो नजर आए थे। उसके बाद में यहां पर तमाम जो एसोसिएशन या फिर संगठन जो इनका सपोर्ट कर रहे थे इस पूरे जो है घटनाक्रम के बीच में, जब से थप्पड़ कांड हुआ तब से लेकर अब तक जो सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ में सलाह मशवरा जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आपसी चर्चा जो है वो यहाँ पर चल रही है। तमाम अधिकारियों के बड़े बड़े जो एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा तमाम जो बड़े संगठनों के लोग हैं उसके अलावा तमाम आरएएस अधिकारी जो जयपुर में मौजूद हैं वो यहाँ पर इस मीटिंग में जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ आरएएस क्लब में पूरी बैठक जो है वो चल रही है। यहाँ पर एसोसिएशन के लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में जो फैसला है वो सार्वजनिक जो है वो किया जाएगा। अभी तक के लिए मान के चले तो पूरी तरीके से पेन डाउन आरएएस अधिकारियों की ओर से जो है वो यहाँ पर किया गया है। अब मीटिंग में किस तरीके का जो है वो यहाँ पर फैसला लिया जाए, देखिए बड़ी बात यह है कि मीटिंग में जो थप्पड़ कांड जिनको थप्पड़ पड़ा या फिर जिनके साथ हाथापाई हुई वो एसडीएम भी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर जो है तमाम एसडीएम तमाम अधिकारी जो है उनसे बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसको लेकर क्या कुछ सीएम साहब से इनकी मुलाकात के समय जो हुआ है उसको लेकर ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आगे की रूपरेखा बनाई जाए या फिर आगे आगे तरीके से जो उनकी मांगों पे सहमति बनी है उसको लेकर जो है यहाँ पर आरएएस क्लब में चर्चा चल रही है। मनीषा, अच्छा निरंजन, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात को लेकर कुछ कहा गया इनकी ओर से? क्योंकि देखिए खाली आरएएस एसोसिएशन के लोग या अधिकारी ही नहीं, अन्य सेवाओं के जो कार्मिक लगातार उनकी हड़ताल को समर्थन दे रहे थे अब उनकी भी अब बात है, वो भी आप कह रहे हैं यहाँ मौजूद है? बिल्कुल, देखिए मनीषा यहाँ पर जो है आरएएस एसोसिएशन के अलावा तहसीलदार संघ है, पटवार संघ है, उसके अलावा तमाम जो कर्मचारी संगठन है जैसे सचिवालय का संगठन है और कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने इनका सपोर्ट किया था। उनके साथ में सलाह मशवरा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरे आंदोलन में इनके जो हड़ताल थी उसमें साथ में बैठे हुए साथ में चलते हुए जो वो नजर आए थे। अब सीएम साहब से जो मुलाकात हुई है इनके जो दल गया था यहाँ पर जो आरएएस एसोसिएशन का दल गया था यहाँ से मीटिंग करने के लिए, उनके साथ जो चर्चा हुई है उसको सबके सामने ये लोग जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं तमाम जो बड़े लोगों के साथ। अब यहाँ पर क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल कर आता है वो थोड़ी देर में जो है वो पता चल पाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर बात करें स्थिति की तो अभी पूरी तरीके से आरएएस अधिकारी बिल्कुल निरंजन, क्या कुछ फैसला होता है उनका सभी की नजर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कार्य बहिष्कार को लेकर फैसला होगा, डिस्कशन फिलहाल आरएएस क्लब में हो रहा है।